What is the meaning by Islam? The Islam means the belief, the total submission, only one. ये है मानसेरा के पढ़े लिखे अख्तर हुसैन जो सुनहरी ख्वाब लेकर लाहौर आए लेकिन फिर कूड़ा उठाने पर मजबूर हो गए। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि सारे ख्वाब चकना चूर हो गए। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है। अख्तर भाई कचरा क्यों उठा रहे हैं? सर मैं तंदूर का काम करता था, अपना जो है ना मेरा सही गुजर बसर होता था। तो मैं एक दिन दाता साहब पे गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा सलाम किया, तो सलाम दुआ के बाद थोड़ा मेरी आंख लग गई, तो वो मेरे पैसे शनाती कार्ड हर चीज़ मेरी निकल गई। 6-7 हज़ार रुपया था, मोबाइल था और अपना शनाती कार्ड था मेरा उसमें, और डायरी एक थी उसमें कुछ ज़रूरी नंबर थे मेरे। तो वो फिर मैं जिस जगह पे काम के लिए जाता था तो बोलते हैं शनाती कार्ड है, तो नहीं है। बस फिर मैं मायूस हो गया, तो फिर मांगने से अच्छा है तो फिर मैंने यही रास्ता अख्तियार कर दी। तो किसी के आगे हाथ पे लाना पड़ा। मैंने बड़े भूखे दिन भी गुजारे हैं लेकिन मुझे गवारा नहीं हुआ कि किसी के आगे हाथ पे लाऊं। तो बस फिर ज़रूरत ऐजाद की माँ है, तो बस फिर यही करना पड़ा। तो अभी ज़रूरत ऐजाद की माँ है। इनके तलफ़ चेक करें, पढ़े लिखे हैं? जी जी। कितना पढ़े? मैं एफए किया हुआ। ना करें यार। जी सर एफए किया हुआ। एफए किया हुआ? जी जी। मैं कैसे मान लूं कि आपने एफए किया हुआ? सर मुझे अभी मैट्रिक के सवाल जो है, व्हाट इज द मीनिंग बाय इस्लाम, द इस्लाम मीन द बिलीफ द टोटल सबमिशन टू ओनली वन, हू वर कुरैश, कुरैश वर द नोबल फैमिली ऑफ सऊदी अरबिया, और इस तरह और मुताले पाकिस्तान के, लेकिन अभी थोड़ा बस इस वजह से ज़हनी तौर पे थोड़ा आती है आपको? बस पहले तो काफ़ी आती थी लेकिन अभी ये धूप में फिर के ना कुछ सोने का, बस कुछ जिंदगी बड़ी तलख हो। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल सामने खड़ा हूँ दूसरी साइड पे, आपने मुझे बुलाना होगा तो इंग्लिश में कैसे बुलाएंगे? प्लीज कमिंग, मेहरबानी आए मतलब। अच्छा जी, इस तरह है। और क्या क्या? अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैट्रिक में? मैट्रिक में तो मतलब इस्लामियात हो गया और अरबी हो गई, इस्लामियात लाजमी हो गई, इख्तियारी हो गई, लाजमी हो गई। अच्छा। और अपना उर्दू हो गया, मैथ हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में पता है? नहीं सर उसमें नहीं पता है। आर्ट्स में किया था आपने? आर्ट्स में किया है मैंने, आर्ट्स में किया। क्यों एफए भी किया हुआ है? कौन कौन से सब्जेक्ट है? अपना स्टडी पाकिस्तान हो गया, पाक स्टडी हो गया, और उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया। कितनी देर हो गई है आपने ये स्टडी? 5-1 साल तो हो गए तकरीबन। कितनी उम्र है? उम्र मेरी है 35-36 साल है। 35-36 साल जी। अख्तर हुसैन साहब यही काम क्यों, कोई दूसरा भी तो कर सकते थे, मजदूरी भी कर सकते थे? बस वक्त ही उसके लिए हालात ऐसे हो गए कि बस करना पड़ा। कितने बच्चे हैं? शादीशुदा? हाँ शादी, एक बेटा है मेरा। एक बेटा है जी। बच्चों को पता है आप ये काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो ये नहीं पता है कि ये काम कर रहे हैं, तो अगर लगे जाहिर बात है फिर उनकी भी, क्योंकि हमारे खानदान में पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था काम। अभी कितने दिन हो गए ये काम करते? अभी ये 3rd-4th दिन है मेरा। तीसरा चौथा? हाँ तीसरा। तो तीसरे चौथे दिन में मतलब कितने की दिहाड़ी लग जाती है इस काम में? पहले तो बारिशें थी, बस इतना ही है, कोई 500-600-700 तक इतना जो है ना हो जाता है। उसमें कोई खाना खा लेता हूँ और कोई उधर सोने का 100 रुपया ले लेते हैं, तो एक कपड़ों का एक जोड़ा बना के लिए हुए वो दिया हुआ है। क्यों ये काम ऐसा है, इसमें गंदे हो जाते हैं नए कपड़े। ये काम अच्छा है? नहीं अच्छा तो खैर मेहनत है, लेकिन ये है कि जिस तरह मेरा लेवल पे मैं जिस तरह हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है। जब कचरा कुंडी पे जाते हैं तो कचरा हाथों के साथ फोलते हैं? बिल्कुल, बस एक जगह पे पड़ा था कि हकीर से हकीर पेशे अख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है, तो बस वो ही जहन में आया हुआ है तो कर रहे हैं। और कौन कौन से सबक याद है, मतलब और कौन कौन सी चीज़ें याद? तो बस नहीं हो तो उसका शेर है, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं। आओ एक सजदा करें मैं आलम में बदहोश में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। बस हालात जो है, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। यार पोइट्री भी अच्छी करते हो, नशा तो नहीं करते? नहीं सर मैं जो है ना नसवार डालता हूँ बस जो है। पठान हो? जी पठान। कल मुझे एक आदमी मिला, मैं ऐसे उधर जा रहा, उसने मुझे बुला के
मेरे को 100 रुपये दिए। मैंने बोला नहीं, मोटरसाइकिल बुलाया उसने, बोला ये लाओ। मैंने बोला नहीं, मैं बोलते नहीं नहीं ये, फिर उसने दे दिया। मैं फिर सोच में पड़ गया, मैं बोला पता नहीं शायद उसके दिल में क्या आया होगा क्या नहीं आया होगा। शेर व शायरी और भी आती है? बस पहले तो करते थे लेकिन अभी थोड़ा सा जहनी तौर पर डिस्टर्ब। मौजूदा हालात पे अपने आप पे कुछ शेर सुनाए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये मैं अपने हालात की जो जिंदगी है इस पे मैं, ये मेरे पे शेर मैं अपने पे करता हूँ। आप उस चोर को पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं जो आपका ये कमीज लेके गया, हो सकता है वो भी वीडियो देख रहा हो। मैं उसको यही पैगाम देता हूँ कि चोर का डीवा कभी भला नहीं है। मेहरबानी होगी मेरा आईडी कार्ड अगर किसी तरीके से दे दो, बाकी कोई नहीं। मैंने अल्लाह की रजा के अल्लाह उसको हिदायत दे दे, मैंने उसको वो पैसे सब कुछ बख्श दिए। लेकिन मैं शनाती कार्ड के लिए क्यों, किसी की वजह से मैं बस इधर क्यों, ये मैंने त्रोड़ा इसीलिए उठाया है कि इसका अक्सर कोई पुलिस वालों, उनको पता होता है यार कि बस चलो ये नशाई है या खाना बदोश है बस। अभी ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अभी बस इंशाल्लाह, देख मेरा तो उम्मीद है कि 2-4 दिन तक मैं बस ये काम ख़त्म कर लूँगा। इतना हो जाए कि क्योंकि हमारे गाँव के जाने तक 2-4-5 हज़ार रुपया किराया खर्चा कम अज़ कम इतना तो होता है। साथ कोशिश भी करता हूँ कि काम मिल जाए ऐसे। कुछ कहना चाहोगे? कहना तो यही चाहूँगा कि बुल्ले शाह का शेर है, न कर बंदिया मेरी मेरी, न तेरी न मेरी, दुनिया चार देना दा मेला है फिर मिट्टी डेरी।